नमस्कार। नमस्कार मैम। सर 5:40 हो गए, क्या हम शुरू करें क्लास? शुरू करें फिर मैम? हाँ सर, क्योंकि 5:40 हो गए। ठीक है। आज के लिए मैथिली है। अभी हम स्वर मैथिली लिपि मुख्यतः क्या है, 13वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है कि इसका मतलब उद्भव, या यूं कहें कि एक स्वरूप निश्चित हो गया था एक तरह से 13वीं शताब्दी के आसपास। और ये लिपि बंगला और असमिया, इनसे काफी मिलती है। इस लिपि ये लिपि गौड़ी लिपि से निकली है, जो बताई जाती है कि बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर उसका प्रयोग होता था, जिससे आपकी मैथिली, बंगला, असमिया, उड़िया ये लिपियां निकली हैं। इसमें मुख्यतः क्या है कि इसमें न्याय दर्शन के ऊपर, क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र था ना, वो एक गंगेश उपाध्याय जी थे उस क्षेत्र के, तो इस पे न्याय दर्शन की पांडुलिपियां भी मिलती हैं, 90 न्याय की। बाकी इसमें यही है कि अब इसका जो प्रयोग है 20वीं शताब्दी तक आते आते इसका प्रयोग कम हो गया, और इसका प्रयोग मुख्यतः जो वहाँ के मिथिला के जो ब्राह्मण वर्ग थे वही प्रयोग करते रहे हैं। अब इसका क्या है कि उन लोगों ने फिर से इसका प्रयोग करने के लिए जागृति, कुछ अभियान, मिथिलाक्षर अभियान करके फिर से शुरू किया है। इसके बारे में इतना ही है बस। अब हम स्वर पे आते हैं। अभी देखिए स्वर आ, एक सेकंड, ये आ है, एक आ और है इसका, एक और प्रकार है आपका। कुछ ये है ये है, एक प्रकार ये भी है, और ये कई बार ऐसे मिल भी जाता है, इसको मिला भी देते हैं, इससे करके
मिला भी देते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे भी मिला देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक प्रकार से हम कहते हैं इसके तीन प्रकार हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये आ है। ये भी मिल जाता है, ये भी है, ये भी है, ऐसे भी लिखते हैं। देखिए ऐसे एक बार दोबारा से देखते हैं, ये यहां से गोल है, ऐसे घुमाना है, ऐसे ये सीधी रेखा है और ये शिरो रेखा है, एक ये भी है। इसमें क्या है, ये जुड़ेगा और ये आपका ये थोड़ा घुमावदार है और ये यहां से भी घुमाव है, ये सीधी रेखा है और फिर ये भी एक प्रकार है, ऐसे भी लिखते हैं लोग, ये गोल है यहाँ पे, ये घूम गया ऐसे, ये आ है, ये तीन तरह से ही यहाँ लिखते हैं। दीर्घ पे आते हैं, अब देखिए दीर्घ आ, अब उसका फिर दूसरा रूप जो है उसमें बनाएंगे लोग, ये मुड़ा हुआ है, ये सीधा भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया आपका, ये यहां मुड़ा हुआ है, ये इससे मुड़े हुए इसमें, ये वाले आपका आ हो गया, दीन का। अब आते हैं ई पर, देखिए दोबारा से, ई, ये ई है,
अब इसमें दीर्घ ई करना है तो दीर्घ ई बनाना, तो बस इसमें ये नीचे से ये ले जाना है आपको, ये आपका दीर्घ ई हो जाएगा। ये ऐसे बना दिए, यहां से ऐसे ले गए दोबारा एक बार तो देखें, ये आपका दीर्घ करना है यहीं से, जैसे हमने उसमें किया था ई में, यहां से घुमाते हुए ये ले जाना है, ये दीर्घ हो जाएगा आपका। और दीर्घ का एक प्रकार हो रहा है प्रकार वाला है, जैसे हमने क्या किया, ये इसके स्थान पर ऐसे चंद्रबिंदु टाइप बन जाता है, चंद्रबिंदु लगा देंगे, शिरोरेखा नहीं होगी, सीधा चंद्रबिंदु बना देंगे इसके बाद, तो ये ले जाएंगे, ये हो गया आपका ऊ। और फिर वैसे ही बस जैसे इसमें किया था दीर्घ के लिए, तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा। ये एक और प्रकार है, दो प्रकार हो, सर। हाँ जी, हमें कौन सा प्रकार ज्यादातर मिलते हैं? मैम दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि मिथिला वाले दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। ओके सर, अब वो आप देख लीजिए, आपको जो सही लगता है, सही दोनों है, गलत कोई सा नहीं, आप कोई सा ही प्रयोग कीजिए। जी सर, मतलब जब हमको लिखना पड़ेगा तब तो हम लोगों को हम दोनों प्रकार यूज कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है सर। अब आते हैं री पर, ये री है, ये वैसे तो ट्रायंगुलर शेप सी बना रखी है इन्होंने, पर कुछ लोग इसको ऊपर वाले को ऐसे गोल ले जा रहे हैं, नीचे वाले को ट्रायंगल की तरह बना रहे हैं, ये भी एक प्रकार है, इसको कुछ लोग गोल भी ले जा रहे हैं, इसमें दोनों ये ट्रायंगल शेप में है, ये री है,
ये सीधी रेखा खींची आपने और ये ले गए, ये घुमाया, ये ट्रायंगल शेप में शिरोरेखा से इतनी होती है इसमें, और ये री की जैसे मात्रा लगाते हैं बस वही है, ये आपका री हो गया। इसमें ये मिथिला वाले दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे तो देखने में ज्यादा अंतर तो है नहीं, अब प्रयोग कोई सा भी कर लीजिए, गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि समझ तो आ ही रहा है री है, पर ये कि मैंने दोनों देखे हैं, ये लोग दोनों का प्रयोग कर रहे हैं मिथिला वाले। अब आते देवगिरी, देवगिरी में ये री हो गया, नीचे बस ये आपको ये री का चिन्ह है ये वो लगाना है, ये आपका देवगिरी हो जाएगा। अब आते हैं लिरिक, लिरिक के लिए आप ये रेखा ऐसे ले जाइए इस तरह टेढ़ी सी, और ऐसे तो सीधी है पर यहां से ऐसे ले जानी है, और यहां से ऐसे मोड़ के और ये गोल आना है, ये हो जाएगा लिरिक। ये वैसे ला का ला की शेप है, ये ला भी ऐसी बनेगा, इसमें री की मात्रा ये लगा दी तो ये री हो गया, और ये शिरोरेखा हो गई, इसमें शिरोरेखा है। ये हो गया आपका री, एक बार और देखो, ये ले गए ऐसे और ऐसे घुमाया, ये री हो गया। सर ओ मतलब उसको फील करना पड़ेगा ना? हाँ इसको फील कीजिए इसको। जी सर। अब आते हैं दीर्घ लिरी पर, दीर्घ लिरी में बस ये नीचे एक और री का चिन्ह, री की मात्रा, बस ये री हो गया दीर्घ। अब आते हैं ए पर, ए देखिए, ये ए है, एक बार और देखिए, सर हमारे आसामीज में भी ए को ऐसे ही लिखते हैं, बस वो जो पिन पॉइंटेड है वो नहीं होता है, मतलब सिर्फ ऊपर तक जो जितना पॉइंटेड हो रहा है यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। हाँ ये मैंने बताया ना आपको कि जी सर, बंगाली और मैथिली ज्यादातर अक्षर मिलते हैं। जी सर। हाँ जब संयुक्त अक्षर होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, फिर वो इसलिए आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। जी सर।
संयुक्त अक्षर में बदल जाते हैं। ये ए हो गया। अब इसमें ये ए की मात्रा लगा देते हैं, ऐसी आपकी बंगाली में भी होती है, असमिया बंगाली में ऐसी ए की मात्रा लगाते हैं, ये ए की मात्रा होगी, तो आई हो गया। हाँ सर, आई भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। हाँ। और जो आपने बताया उ, रसौ, दीर्घ उ, उसमें बस हम लोग एक मतलब ये जो शिखा आपने लिखा है ना आई में, तो ऐसे एक शिखा हम लोग देते हैं, बाकी सब एक ही है, एक जैसे है। ओ की मात्रा, आई की मात्रा वही है, वैसी है जैसी आप असमिया में लगाते हैं। जी सर। हाँ, वैसी मिलेगी इसमें। जी, ये आई हो गया आपका, ये इसके ऊपर बस ये मात्रा लगानी है, ये आई का, आई की मात्रा है। अब आते हैं ओ पे। ओ इनका कुछ ऐसा होता है, ये ओ है, ये भरा हुआ है, भूम की तरह, थोड़ा सा भूम की तरह होता है। अब जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें औ की मात्रा लगानी है, तो ये यहां से लगेगी, यहां से, ये देखिए, तो ये औ हो जाएगा। हाँ सर, ये दोनों भी हमारे जैसा ही है, हमारा असमिस जैसा ही है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ये अव हो गया। अब आते हैं अनुस्वार और विसर्ग पर। अन हम अनुस्वार हो, अनुस्वार ऐसे यहां लगता है इसका। अब विसर्ग लगाना है, तो ये इसमें विसर्ग का एक प्रकार हो रहा है, जैसे नेवारी में लगाते हैं ना ऐसे आठ सा थोड़ा सा बना करके ये मिला देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बना रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे भी बना रहे हैं, ये भी एक प्रकार है, मतलब जल्दी जल्दी में बना दिया होगा दोनों ने, वैसे तो यही है, ये यही बनाई है आप इसी प्रकार का। ये कि ये थोड़ा जैसे कहते हैं त्वरित गति से लिख देते हैं, तो उसकी वजह से नेवारी में ऐसा वाला मिलता है ना, हो सकता है नेवारी का प्रभाव हो। यहाँ तक स्वर में किसी को कोई समस्या नहीं सर? ठीक, अब आते व्यंजन पर। ये क है, एक बार दोबारा देखिए, ये ले जाना है, ये ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा के फिर ये घुमा के, ये गोल है वैसे, भरना है, ये घुमा हुआ है और ये भी घूम ही रहा है, सीधा नहीं है,
और ये फिर आपका क बन गया ऐसे, ये है क। अब आते हैं खा पे, खा पर आते हैं। हा एक तो यही प्रकार है, एक तो ये खा है, एक और खा बनाते हैं लोगी। एक खा ये भी है, देखिए दोबारा से देखिए, दूसरा है ये आपका खा है। दो प्रकार है खा के, ये वाली रेखा सीधी है, घूमी हुई नहीं है, ये जो है बाकी सब घूम रही है, घुमावदार है। जैसे ये भी घुमावदार है, ये तो है ही, और ये भी है, बस ये रेखा सीधी रहेगी। बस शिरो रेखा यहाँ पे क्या है कि कुछ जैसे सिंगल वर्ड सिंगल अक्षर है तो ऐसे घुमा देते हैं लोग, जब मिलाते हैं तब सीधी शिरोरेखा सीधी होती है। अब आते गप, एक क है, एक बार दोबारा देखिए, ये यहां से ले गए सीधा, ये घुमाया फिर यहां से एक कर, यहाँ पे गोल है जैसे हम देवनागरी में गा लिखते हैं, उसके तरह गोल बना, ये हो गया गा। अब आते हैं घा पे, घा लगभग देवनागरी जैसे ही दिखने में होता है, बस ये यहाँ पर थोड़ा सा
ये वाला जो हिस्सा है देखते थोड़ा देवनागरी में, ये थोड़ा जैसे एक बार वो देखिए ये लिया ये घुमाया जैसे हम देवनागरी में घुमाते हैं, पर यहाँ से बस देवनागरी में हम ऐसे ना घुमा करके इसको ये ले रहे हैं सीधी रेखा ये, और फिर यहाँ से ये घुमा रहे हैं, फिर इसको ये ले रहे सीधा, ये घ है आते हैं ना। जैसे हम देवनागरी में गांव पे यहाँ लगाते हैं, इन्होंने यहाँ लगा के ऊपर लगाई है, और ये गोल है भरा हुआ नहीं है, ये ऊपर का जो है ये गोल भरा हुआ नहीं है। एक बार दोबारा से देखिए, ये ना है ना, ये गोल है सभी, ये घूम रहे हैं, मतलब ये सब घूम रहे हैं सभी घुमावदार, इनमें कुछ भी सीधा नहीं है, सब घुमावदार, इस बात का ध्यान रखना है। और ये गोल इसका भी ऊपर का जो है ये भरेगा नहीं, इसको भरना नहीं है, खाली छोड़ना है, ये आपका ना हो गया। अब आते हैं चौ पे, क्या देखिए ये च है सिरोरेखा, ये सीधी रेखा है, ये यहाँ से घुमाया ऐसे ले गए और ये घुमाते हुए यहाँ पे जोड़ दिया, जो है च। आते हैं छा पे, छा के लिए यहां से ये एक माया इसको यहां से जोड़ दिया, ये यहां से ये अगर छा हो गया। बस इतने अंतर, बस ये इसका अंतर है, ये अपने तो ये छा हो जाएगा छा में, आपका कवर पूरा हो गया, नहीं कवर नहीं, इसके बाद जा आएगा जा, अब जा पे आते हैं। जा ये एक बार दोबारा देख, ये घुमाया ऐसे घुमाते ऐसे, ये ज है, ये यहाँ से ये कर्व है,
और ये भी कर्ग ही है, ये सब घूम रहा है और ये सीधा भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर सीधा भी लिया जा सकता है इसको। और ये कर्ग है और ये भी कर्ग है, ये आपका ज है। अब आते हैं झ पे, ये यहाँ से थोड़ा सा घूमेगा और ऐसे ऐसे ले जाना, ये छ है छ। यहाँ पे यहाँ से ये यहाँ है, एक बार दोबारा देखो। ये यहाँ है, यहाँ आपका चवर पूरा हो गया। अब आते हैं टवर पे, ये कुछ ऐसे घुमाया और ये ऐसे ले गए, और इस शिरोरेखा के लिए ये है, ये इससे मिल नहीं रही है शिरोरेखा, थोड़ा सा हल्का सा गैप देना, हल्का सा बहुत मामूली सा गैप देना शिरोरेखा में, इसमें आपको थोड़ा मिलती हुई नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ एक साइड। इसमें शिरोरेखा मिलती नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता है, ये आपका ट हो गया। एक बार दोबारा देखिए, ये ट हल्का सा शिरोरेखा में, हल्का सा थोड़ा सा गैप शिरोरेखा में, काम ठॉप है।
होती है ठ। ये एक बार और दोबारा देखें। ये ठ है, ये यहां से ले जाएंगे आप ऐसे, और ये यहां से लेंगे, ये ठ है। इसमें भी शिरोरेखा में और ठ में थोड़ा सा गैप होगा। डब है, ये डब। ढाबे ये ढा है, थोड़ा सा नीचे ज्यादा, ये ढा है। एक बार दोबारा देखिए, ये रेखा कीजिए, बस ये आपका ढा है। नीचे ले जाएंगे गोल ऐसे, एक बार दोबारा देखते हैं। ये गोल घुमाए, गोल भरा आपने, ये ऐसे घुमाया और ये ऐसे लेके, ये आपका अणा है। आते हैं तब है, तबर अगला अक्षर है तब। हाँ, जैसे हम देवनागरी में सात बनाते हैं ऐसे ही। ये इनका तार है, एक और दोबारा देखो, ये तार। जैसे हम देवनागरी में सात बनाते हैं ऐसे ही होती है, ये तार उसी शेप का होता है।
आते था पे। ये था है। ये गोल भरा हुआ नहीं है, इसका ये जो गोल है, और ये भी भरा हुआ नहीं है, ये भी ऐसे खाली थो। इसमें केवल ये रेखा सीधी है, बाकी सब ये मुड़ाव है, मुड़ रही है। दब है, ये थोड़ा सा घूमेगा यहां से ऐसे, एक बार भर गया ऐसे, ये मोड़ा ये लिया, यहां से भी ये भी घूमा होगा कर। ये द है, अब आते द पर। ये था है, तो ये शिरोड़ी का इधर लगती है, और ये ट्रायंगल शेप है, थोड़ी सी ट्रायंगल शेप होती है, एक बार दोबारा देखते हैं। आते न पर, द ध न, ना ऐसे बनाना है जैसे हमने अड़ा बनाया था, अड़ा में थोड़ा हमने ये नीचे से ऐसे घुमा के ऐसे बनाया था, ये अड़ा था, पर ना में ये न हो गया। ये लिया, ये ना हो ना, 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 ना। अब आते पाव पे, आगे लिए क्या है, ये लिया देखो, ये घुमाया,
ऐसे नहीं देखा, अरे यहाँ पे एक कुआं था, ये स्पेशल हो जाएगा, एक पाओ, एक बार दोबारा देखो, ये बनाया थोड़ा सा नीचे हल्का सा, ये एक देखा खींच, ये नीचे से लिया और ये ऐसे मिला दिया, ये पाओ हो गया, बड़ा ज़्यादा हो गया ये भी नीचे तरेगा और ये इसको ये भुआ मार है, गोल है यहाँ पे भरा हुआ, ये हल्का सा टेढ़ा बनाना, हल्का सा, बहुत बिल्कुल टेढ़ा नहीं बनाना, वो थोड़ा सा टेढ़ा सा होगा, एकदम सीधा नहीं बनाना, जैसे एक मिनट ये भी बनाया, हल्का सा टेढ़ा सा दिखना चाहिए, इसमें एक गोल है, ध्यान रखना, लिखा हो गया, अब है बा, अब बा पे आता है, बा देखिए, ये बा है, ये यहाँ पर गोल बिंदु है,
बातें भाव है। ये भाव है ऐसे। ग्रंथ में भाव कुछ इस तरह का था, शिरो रेखा नहीं थी, बस इतना अंदर है। ये भाव है आपका, इसका ये जो गोल है ये आप नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भर भी दें तो ठीक है, दोनों ही बातें। ये हो गया भाव। अब आते हैं माप। ये थोड़ा सा घुमावदार, ये माँ है। तो सरल है, अब यहां पर आते हैं। ये यहां है या है, एक बार और देखते हैं। या या तो सरल ही है, बस यहाँ में बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़ा ही मुड़ा हुआ है, ये ऐसे ये सीधी देखना है, यह हो गया। अब आते हैं रा। रा जैसे हमने बा बनाया था, बा में ऊपर ये था अपने चंद्रमा की तरह जो होता है, इसमें बस ये नहीं है, बस ये बिंदु है, राम है इतना अंतर है। या फिर राम जैसे बाम है ऊपर वो था चंद्र बिंदु, चंद्रमा का जो की तरह चिन्ह जो बना रखा था वो नहीं है, अनुस्वार के लिए जो हम बनाते हैं वो उस बाकी वही है, बाकी तरह नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो वो हो गया, वाह हो गया। ये आपका रहा है। अब आते हैं ला पर। ला जैसे हमने री बनाई थी ना, उसमें री की मात्रा छोड़ देंगे तो बस ला बन जाएगा। ये ऐसे लेंगे, ये सीधा है और ऐसे घुमाएंगे और ये गोल, इसको भर देंगे गोल, ये आपका ला हो जाएगा। ये ला है जैसे हमने लिरी बनाई थी, लिरी में री की मात्रा हटा देंगे ला हो जाएगा, वैसे ही बनाना है। इलिया सीधा, माया इल्ला हो गया।
अब आते हैं वाह पर। वाह वही जैसे बा में ऊपर का वो चंद्रमा जो चंद्र बनाते हैं चंद्रमा से, तो वो नहीं है, बस बाकी बिंदु है ये वाह हो जाता है बस। अब देखिए बा, ये बा है, ये बा, ये रा है और ये वा है, रा वा, इन तीनों में अंतर देखिए। इसमें ये ऊपर चंद्रमा सा बना हुआ है, नीचे बिंदु की है, रा में कुछ भी नहीं है दोनों में से, और बा में सिर्फ बिंदु है, ये नहीं है, ये है ही नहीं वा में, ये इन तीनों में बस ये अंतर है। ये वा है ऐसे ही। अब जैसे हमने अणा बनाया, अणा किस बनाया, ये लिया ये ना हो गया, ना बनाया ये ना हो गया, अल्लाह ये सीधा लिया ये घुमाया ये ला हो गया, तो ये हो गया ना ना अल्लाह। ये थोड़ा देखने में एक जैसे से लगते हैं, अंतर बस यही है इसमें, ना में ये सब थोड़ा सा और कर्व होगा ज़्यादा, और ना में कर नहीं उतना, कर कम है ये, इतना ये वाला घुमाने वाला ही बच रहा है, ये ऐसे ले गया, और ला में ये सीधी रेखा है और यहाँ से घुमाया यो, तो ये इन तीनों में अंतर है। अब आते हैं ग्यारह लावा श, तालम श, तालम श इनका ये इस प्रकार का है, तालब शाह एक बार दोबारा देखती लिया। ये जो गोल है ये कुछ लोग भरते भी हैं इनको, तो आप चाहे भर भी सकते हैं और चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग भर भी देते हैं और कुछ लोग नहीं भी भरते हैं। तो दोनों ही है, तो ये आपका शो हो गया, ये दिया ऐसे घुमाया ऐसे दिया और ये शो। थोड़ा सा अच्छा, देवारी वाली शाह थोड़ा सा ऐसे उससे भी मेल खा रहा है देवारी से, उसमें देवारी में ऐसे कुछ रखे अब है मूर्धन्य शाह। मूर्धन्य शाह थोड़ा सा देवनागरी की तरह ही दिखता है, पर ये है कि वो थोड़ा घुमा देते हैं, ये ऐसे घुमा देते हैं, बस यही फर्क है। देवनागरी में हम ऐसे बनाते हैं, ये इसको ये घुमा देते हैं बस, पर वो हो जाते हैं तो इसलिए अलग हो जाता है, अलग दिखता है। शाह है बस इसमें और इसमें देवनागरी में, बस ये फर्क है, ये थोड़ा ही घुमा रहे हैं यहाँ से और
पर भी ऐसे घुमा के थोड़ा नीचे को ले जा रहे हैं और ये रेखा तो सीधी है। योग शौक गया। अब आते हैं सब पे। साथ के लिए ये एक थोड़ा सा घुमाना है आपको और यहाँ से इसे लेना है ऐसे, तो ये होगा आपका सौ। दोबारा से एक बार देखेंगे, क्लियर? यहाँ से घुमाया सब दंते से हो गया, ये लिया ऐसे घुमाया ऐसे, ये आपका दंते सा हो गया। अब आते हैं हाँ पे। आगे इसमें दो प्रकार हैं हाँ के इसमें। एक प्रकार ये है, ये लिया ये घुमाया, जैसे हम तीन की तरह बनाते हैं ना, थोड़ा सा तीन की तरह तीन लगेंगे ना देवनागरी में, बस वैसा है। एक तो हाँ ये है, एक दूसरा भी है। उसमें क्या है, ये लिया ये बस इतना लिया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा हमारा देवनागरी की तरह मिलता है, ये यहाँ पे मिला नहीं रहे इसको, ये हाँ ये दो हैं, दो रूप हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा तीन की तरह ये और दूसरा वाला बनाएंगे थोड़ा सा वैसी, पर ये कि ये नीचे वाला ये नहीं होता है, ये यहाँ से हो जाता है। हाँ ये आपका हाँ हो गया मैत्री। अब आते हैं शॉप, एक शो है ऐसे भी बना सकते हैं। एक शो है शो हो गया मैथिली में। ये भाई ये ऐसे शो ट्रॉप। ये त्रा है, इसमें बस ये है कि ये शिरोरेखा है, अगर शिरोरेखा ना हो तो ये कितने हो जाएगा, शिरोरेखा है तो इसलिए त्र हो गया। ये देखिए शिरोरेखा है, ये मान लीजिए ए में शिरोरेखा लगा दीजिए, त्र कितने हो जाएगा,
खतरा बन जाएगा बस। अब आते हैं यहां पर, यह क्यों क्या हो गया, एक बार देखिए अब जैसे हमें लिखना है ज्ञान और आगे मात्रा देख लेते हैं, ज्ञान लिखना है करेंगे, ये लिया ज्ञान क्या ज्ञान आ की मात्रा ऐसे रखती है, मात्राएं वैसे कल करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, आज बस इसलिए मैंने दिखा दिया कि आपको कैसे जैसे शब्द बनते हैं इसका प्रयोग करने के लिए, तो ज्ञान है ज्ञान ऐसे रखते हैं, और जैसे और भी शब्दों का जैसे अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे धनम धनम ये अनुसार है, सर जी एक बात पूछना था, मतलब जब हम लोग देवनागरी में अक्षर लिखते हैं, नहीं मतलब शब्द लिखते हैं, तो एक ही मात्रा में हम सभी अक्षर लिखते हैं, तो मैथिली में जो मात्रा है वो मात्रा छेद होता है या फिर एक ही मात्रा में लिखना चाहिए? आपने अभी लिखा धनम, तो इसमें मात्रा छेद हुआ है या फिर एक ही मात्रा में लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, ये क्या है कि शिरोरेखा में एक होती है। हाँ हाँ हाँ, शिरोरेखा की बात कर रही हूँ। हाँ, शिरोरेखा एक ही होती है, मतलब शिरोरेखा में छेद नहीं होता है ना। हाँ, मान लीजिए कोई एक शब्द है हम लिख रहे हैं, तो जब तक वो शब्द समाप्त पूर्ण नहीं होगा तब तक शिरोरेखा एक ही रहेगी उसकी। मतलब देवनागरी जैसी है? हाँ, देवनागरी जैसी है, लेकिन हमारी असामीज में मतलब वो हमारा शिरोरेखा का छेद होता है अक्षर में। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको पूछा। थैंक यू सर। अब आप एक दो शब्द लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा जिसमें मैं लिखता हूँ। बाला बल, मैं चार पांच शब्द लिखूंगा वो आप लिखकर व्हाट्सएप कीजिएगा। बाल और नाला, रामण रमण, दो और दे देता हूँ, एक दो तीन, बाल नल रमण और सारा ना।
कोई शब्द कमेंट भी लिख सकते हैं बिंदी लगा करके, घमंड इनको लिखिएगा और ग्रुप पे डालिएगा व्हाट्सएप, ठीक है। ये पांच शब्द हैं, पिछली बार ग्रुप पे जिन्होंने भेजा था एक मीनाक्षी जी करके, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। अब आप ये पांच शब्द लिखकर व्हाट्सएप करिएगा, आज आपको इतना ही पढ़ेंगे। मात्राएं हम कल करेंगे मात्राएं। बल नल रमण सरल घमंड, घमंड में भी ड अभी संयुक्त वर्ण बताया नहीं है, तो आप अनुस्वार लगा के अभी कर सकते हैं। और किसी को किसी अक्षर में, किसी व्यंजन में या किसी स्वर में कोई समस्या हो, किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। ठीक है, तो आप ये पांच शब्द जो हैं इनको लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा बस। ठीक है सर। हाँ बस यही आपका कार्य है, गृहकार्य। ठीक है मैम। ठीक है मैम, कक्षा यही समाप्त करते हैं।